स्नोरिंग की समस्या, खर्राटे आने की समस्या, वो समस्या होती है जो आपके साथ आपके परिवार के अन्य लोग जो आपके सबसे करीब हैं उनको भी नहीं सोने देती। तो आज हम आपकी समस्या और आपके परिवार के उन साथियों की समस्या जो आपके आपको अच्छा मानते हुए भी, आपको बेहतर मानते हुए भी आपके करीब लेटने पर सो नहीं पाते हैं, उनकी समस्या को ख़त्म करने के लिए बताते हैं आपको कुछ कारगर दवाएं जो आपके खर्राटों में आराम देके आपको स्वास्थ्य लाभ देंगी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्नोरिंग की, स्नोरिंग यानी खर्राटे आने की समस्या की। यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो उस व्यक्ति को तो होती ही है जो इसको जिसको ये है, लेकिन ये उसके और ज़्यादा तकलीफ देह होती है जो उसके आस पड़ोस में रहता है। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि एक कमरे में परिवार रहता है और किसी एक व्यक्ति को अगर स्नोरिंग हो रही है तो उसके वाइफ, उसके बच्चों, उसके माता या पिता, जो भी उस कमरे में सारे लोग रह रहे हैं, पूरा परिवार, सब नहीं रात में ढंग से सो पाते हैं और वो खुद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण एक बहुत बड़े रिस्क पर होता है। तो आज हम बताएंगे आपको कुछ कारगर दवाएं जो आपके इस स्नोरिंग को ख़त्म करेगी और आपको रिलीफ देगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं स्नोरिंग होती क्या है। स्नोरिंग साथियों वो स्थिति होती है कि जब आप सोते हैं उस वक्त जो आपकी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स और बक्कल कैविटी की मसल्स रेस्ट कर रही होती हैं, थ्रोट की मसल्स, उनका पैसेज पतला होने के कारण उन पर दबाव पड़ता है, वो वाइब्रेट करती हैं और वही आवाज़ आपको खर्राटे के रूप में दिखती है। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। स्नोरिंग के सिम्टम्स में सबसे बड़ा तो यही सिम्टम है कि आपका पड़ोसी आप सो नहीं पा रहा है आपकी आवाज़ के कारण। इसके अलावा सांस फूलना, सांस रुकना, ये सब तमाम सिम्टम होते हैं जो स्नोरिंग के साथ जुड़े होते हैं। बात कर लेते हैं साथियों कारणों की। स्नोरिंग का कारण जैसा हमने बताया, जब आपकी अपर बक्कल कैविटी की मसल्स, आपकी टंग की मसल्स और आपकी थ्रोट की मसल्स जब आप हल्की स्लीप से डीप स्लीप पे जाते हैं तो ये भी रिलैक्स करने लगती हैं, आपके शरीर का पार्ट होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब यह रिलैक्स मोड में आती है और पैसेज आपके ओबेसिटी के कारण या किसी कंडीशन के कारण पतला हो जाता है तो यह मसल्स वाइब्रेट करती हैं, और जब यह मसल्स वाइब्रेट करती हैं तो यह इस प्रकार की साउंड निकालती है जो आपको खर्राटे के रूप में दिखती है। समस्या साथियों थोड़ी गंभीर है क्योंकि कभी कभी ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ला देती है, लेकिन समस्या है तो उसका समाधान है। हम आपको बताएंगे स्नोरिंग को ख़त्म करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेकिन साथियों दवाएं बताने से पहले बता दें, दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिसको आपको बताते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण या न कारण से स्नोरिंग को दूर करने की कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा जो साथियों स्नोरिंग को दूर करने की होम्योपैथी में आती है या होती है, वह है ओपियम। तो अगर आप गहरी नींद में हैं और आपके बहुत खर्राटे आ रहे हैं तो आप ओपियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी स्नोरिंग को ख़त्म करेगी, आपको लाभ देगी और आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है, किसी को कन्वर्जेंस हो रहे हो, किसी महिला को या किसी पुरुष को, और उनके स्नोरिंग हो। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको कन्वर्जेंस हो रहे हो और आपके स्नोरिंग हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला। आप पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके कन्वर्जेंस को ख़त्म करेगी, आपके लेबर पेंस के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो यह स्नोरिंग है उसको ख़त्म करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है, आपको नज़ले से नाक बिल्कुल लाल हो गई हो और आपको रात में खर्राटे बहुत आते हो, तो अगर यह स्थिति है कि आपकी नज़ले से नाक बहुत लाल हो गई और आपको खर्राटे आते हैं तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हिपोजियम। आप हिपोजियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके खर्राटों को भी दूर करेगी, आपके नज़ले को भी दूर करेगी और नाक की लाली को भी ख़त्म करके आपको स्वास्थ्य लाभ पहुँचाएगी।
एक स्थिति साथियों आती है कि किसी के नेसल पॉलिप है और उसको स्नोरिंग हो रही है। तो अगर यह समस्या हो कि आपके नेसल पॉलिप है और आपको स्नोरिंग हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लेमना माइनर। आप लेमना माइनर का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह शाम पी सकते हैं। इससे आपका नेसल पॉलिप भी ठीक होगा और आपकी स्नोरिंग की समस्या भी खत्म होगी। यदि आपको लगातार नज़ला बना रहता है और आपके स्नोरिंग हो रही है, तो उस स्थिति में स्नोरिंग को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है डलका मारा। आप डलका मारा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके लगातार नज़ला बना हुआ है और आपको खर्राटे की शिकायत है। तो यह दवा आपके नज़ले को भी ठीक करेगी और आपके खर्राटों को भी ठीक करेगी। बच्चों में भी स्नोरिंग की समस्या देखी जाती है, तो अगर बच्चों में स्नोरिंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उस समस्या को दूर करने की, उन खर्राटों को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिंकोना ऑफिसिनेलिस। आप सिंकोना ऑफिसिनेलिस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस बच्चे को दे सकते हैं जिसको खर्राटे की समस्या है और उसमें बहुत वीकनेस है। तो यह दवा बच्चे की वीकनेस भी दूर करेगी और बच्चे के खर्राटे भी ठीक करेगी। एक स्थिति आती है आपको रात में गहरी सांस नहीं आती सोने पर और आपके स्नोरिंग है, तो अगर यह स्थिति है कि आपको गहरी सांस नहीं आ रही है और स्नोरिंग यानी खर्राटे आ रहे हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नक्स वोमिका। आप नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस दवा के सेवन से आपको नींद भी आने लगेगी, आपके खर्राटे भी दूर होंगे और सांस भी आपकी थोड़ी गहरी हो जाएगी। एक स्थिति स्नोरिंग में आती कि किसी बच्चे के एडिनोइड्स हों और एडिनोइड्स होने और उसको स्नोरिंग बहुत हो रही हो, या एडिनोइड्स रिमूव हो गए तो भी स्नोरिंग बहुत हो रही हो, तो अगर उस स्थिति है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली सल्फ्यूरिकम। आप काली सल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर एडिनोइड्स हैं या नहीं है, उनका ऑपरेशन हुआ है और किसी बच्चे के स्नोरिंग है, तो यह स्नोरिंग यानी खर्राटे को ख़त्म करेगी और बच्चे को स्वस्थ करेगी। ये साथियों को दवाएं थी स्नोरिंग के विषय में, कारगर दवाएं साथियों, लेकिन निवेदन करेंगे कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछे बिना ना लीजिएगा। मन में आपके कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे नंबर पे, फ़ोन नंबर पे, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा, हमें अपने करीब पाते रहिएगा। आपका इतना वक्त मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।